बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं, और ऐसा सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा पिट गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन पर अब निजी हमले भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लाल सिंह चड्ढा की ही। सोचिए, जिस फिल्म से आमिर को बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें टूट गई। फिल्म बुरी तरह से पिट गई। 11 दिन फिल्म को रिलीज हुए हो गए हैं और फिल्म ने अब तक सिर्फ 55 करोड़ के आसपास की कमाई की है, जो कि बहुत कम कमाई है। 180 करोड़ के बजट से बनकर ये फिल्म तैयार हुई। उम्मीद 300 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 55 करोड़ पर आकर सिमट गई है। कुछ फिल्म एक्सपर्ट्स ने तो कहना शुरू कर दिया है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा 60 करोड़ तक ही जाएगी और यही इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा। अब एक तरफ फिल्म ने कमाई नहीं की, प्रॉफिट तो छोड़िए, लागत भी नहीं निकाली, दूसरी तरफ आमिर का बहिष्कार हो रहा है। आने वाले प्रोजेक्ट्स उनके पूरे हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुआवजे की मांग कर दी है, और इन सबके बीच बड़ा झटका उनको उस वक्त लगा जब नेटफ्लिक्स के साथ होने जा रही उनकी डील को भी कैंसिल कर दिया गया। अब इन सबके बीच एक पुराना बयान आमिर खान के भाई फैजल खान का वायरल हो रहा है। फैजल खान के इस बयान को आधार बनाकर आमिर खान को और भी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और इसका सबसे पहले जिक्र किया है खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान, जिन्होंने अब अपना नाम कमाल राशिद कुमार कर लिया है, यानी कि केआरके। केआरके ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में वो लिखते हैं, आमिर खान ब्रदर फैजल खान सेड इन हिज इंटरव्यू, आमिर से बुरा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी फैमिली का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। And I'm sure his family members know him more than others. आपको बता दें, फैजल खान ने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने भाई आमिर खान को लेकर कई सारे खुलासे किए थे। एक तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि आमिर से उनको कभी कोई मदद नहीं मिली। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने एक्टिंग के करियर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, तो इस पर आमिर खान के भाई फैजल खान ने साफ कहा था कि उनके भाई आमिर उन्हें अच्छा एक्टर नहीं मानते। जब साल 2000 में मेला फ्लॉप हुई तो आमिर ने उनसे कहा था, फैजल तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, मेला भी फ्लॉप हो चुकी है, अब क्या, अब तुम्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। दोनों भाइयों के बीच दरार उस वक्त आई थी जब फैजल को कथित तौर पर एक बीमारी हो गई थी, और उसके बाद फैजल ने आगे आकर इसको लेकर खुलासा किया था। फैजल ने कहा था कि फ्रेंकली मैं कभी बीमार हुआ ही नहीं, जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया वो बिल्कुल झूठ था, मेरे बड़े भाई आमिर और दूसरे फैमिली मेंबर्स द्वारा फैलाया गया झूठ था। दरअसल मुझे किडनैप कर लिया गया था, मैं नजरबंद था, मुझे अनचाहे ड्रग्स दिए गए, मुझे ऐसी दवाइयां दी गई जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे जबरदस्ती पागल करार दिया गया। तो इस तरह से खुलासा किया था फैजल खान ने, और अपने भाई पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीने में सक्षम हूं, मुझे सामान्य इंसान की तरह ही आप ट्रीट कीजिए। इसके अलावा आपको बता दें, हाल ही में फैक्ट्री नाम से उनकी एक फिल्म आई है, और जिस वक्त वो अपनी फिल्मों का प्रमोशन कर रहे थे उस दौरान भी वो कई सारी ऐसी बातें करते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि उनके भाई के और उनके बीच अब सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, जब उनसे पूछा गया शादी को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं गर्लफ्रेंड अफोर्ड कर सकूं या फिर पत्नी के खर्चे उठा सकूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आमिर के भाई फैजल के बयान को आधार बनाते हुए केआरके ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है एक्टर को लेकर। अब देखना होगा आमिर इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आमिर के हेटर्स को एक बहाना मिल गया है उनको ट्रोल करने का। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।